Assalamualaikum everyone, welcome back my channel, my parrot wife and me. Hello birds lover, आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ मेरी YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेबी पैरट को घर लाने के बाद उसकी केयर कैसे करनी है, उसका रख रखाव कैसे करना है, खाने में क्या देना है, दिन में कितनी बार खाना देना है, और अगर आप बेबी पैरट ले रहे हो तो किन किन जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज आप बेबी पैरट की केयर में छोटी सी भी मिस्टेक कर देते हो, लापरवाही कर देते हो, तो वो बहुत जल्दी बीमार होके मर भी जाते हैं। अगर आप बेबी पैरट लेना चाहते हो या ऑलरेडी आपके पास बेबी पैरट है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। बिकॉज बेबी पैरट घर लेकर आने के बाद उसकी केयर से लेके फीडिंग तक सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा, और वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें ताकि ऐसी न्यू और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अभी आपको पता है बेबी अलेक्जेंडर पैरट का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग बेबी पैरट ले रहे हैं। रोजाना ऐसी मुझे कमेंट्स आती है कि मैम हमारा पैरट बीमार हो गया है, सर्दी हो गई है, खाना नहीं खा रहा है, और उनमें से ज्यादातर बेबी पैरट सर्वाइव ही नहीं कर पाते क्योंकि आपने उसकी केयर अच्छे से नहीं की, ना ही आप उन्हें सही फूड दे रहे थे। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी कि बेबी पैरट को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, दिन में कितने टाइम खिलाना है, एवरीथिंग। फर्स्ट तो ये आता है कि एक हेल्दी बेबी पैरट सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर आप मार्केट से बीमार तोते का बच्चा खरीद कर लेकर आते हो तो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो बेबी पैरट खरीद रहे हो वो हेल्दी है या नहीं। तो एक हेल्दी पैरट आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी जिसपे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड नंबर पर आता है होम या शेल्टर। जब आप बेबी पैरट को अपने घर पर लेकर आओगे तो उसको रखने के लिए कोई तो जगह चाहिए होगी, बिकॉज आप बेबी पैरट को केज में नहीं रख सकते जब तक वो 3 मंथ का ना हो। बेबी पैरट को रखने के लिए एक गर्म बॉक्स का सेटअप बनाना पड़ता है, तो आपको उस गर्म बॉक्स में स्ट्रॉ मीन्स सूखी हुई घास या फिर पेपर कटिंग करके डालना है, जिसको घास को और पेपर कटिंग को आपको डेली एटलीस्ट डेली 2 डेज में चेंज करना है, जिसकी वजह से पैरट को उसकी पॉटी से ही कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा अभी ठंड का मौसम है तो बेबी पैरट को ठंड से बचाने के लिए एक 100 वोल्ट का बल्ब लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम बॉक्स और बल्ब की डिस्टेंस आपको 1 फीट की दूरी पे लगाना है, जितना आप बॉक्स रख रहे हो उसकी 1 फीट की दूरी पर आपको बल्ब लगाना है, क्योंकि बल्ब बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। इसीलिए थर्ड नंबर पॉइंट पर आता है फूड। तो फूड में आप उन्हें हैंड फीड फॉर्मूला दे सकते हो, जो कि आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा। बिकॉज हैंड फीड फॉर्मूला से प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ग्रोथ मिलती है बेबी पैरट को। बिकॉज पेट्स लाइफ का हैंड फीड फॉर्मूला काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन में, इजीली आप उसको परचेस कर सकते हो, या तो फिर आप उनको न्यूट्रीबट का A19 भी फीड करा सकते हो। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि बेबी पैरट को दिन में कितनी बार फीड कराना चाहिए, तो बेबी पैरट को दिन में एटलीस्ट 4 to 5 टाइम फीड कराना चाहिए। 4-4 घंटे का गैप रखते हुए आपको उनको वो फीड कराना है, और उसका फीड कराने का सही तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट टाइम अपने बेबी पैरट लिए हो, तो आप उसको स्पून से भी फीड करा सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी तरीका है। लिए हो इसलिए आप स्पून से ही खिलाओ तो बहुत ज्यादा आपके लिए इजी होगा, वरना आप उसको सिरिंज से भी फीड करा सकते हो, बट आप बिगनर हो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप स्पून से ही उन्हें फीड कराइए। और सबसे मेन, कितनी अमाउंट में पैरट को फीड कराना है। मैं एक टाइम में 12 से 15 ml फीड कराती हूँ, बट ये डिपेंड करता है। अगर बेबी पैरट का क्रॉप पूरी तरह खाली होगा तो आप इतना फीड करा सकते हो, अगर बेबी पैरट का क्रॉप पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है तो आप 8 से 10 ml ही उन्हें फीड कराए। आपको चेक करना होगा उनका क्रॉप खाली है नहीं खाली है, ठीक है। बेबी पैरट से रिलेटेड मैं कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बेबी पैरट बहुत छोटे होते हैं इसलिए बहुत नाजुक होते हैं, तो आपको उनको जमीन पर नहीं निकालना है, बिकॉज जमीन ठंडी होती है, तो जिसकी वजह से उनको लेग में प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी पैरट को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे शांत माहौल हो, जिधर आपका ज्यादा आना जाना नहीं हो, ऐसी जगह पर रखना है। अगर आप
शोर वाली जगहों पर बेबी पैरेट को रखोगे तो वो स्ट्रेस में भी चले जा सकते हैं। जितनी शांत जगह पर रहेंगे उतना जितना वो रेस्ट करेंगे उतने अच्छे से और जल्दी उनकी ग्रोथ भी होगी। हाँ, फीड कराने के लिए आप उनको बॉक्स से बाहर निकाल सकते हो और फीड देने से पहले और फीड देने के बाद आप उनसे 10-10 मिनट 15-15 मिनट टाइम स्पेंड कर सकते हो, खेल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। जिससे क्या होगा, स्टार्टिंग से ही वो आपसे और आपके माहौल से वो कनेक्ट रहे, आपसे उनकी पहले से ही बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट में ड्रॉप करना। सो जज़ाकअल्लाह एवरीवन।